बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आफ्ताब अविनाश सर। जी डी नेक्स्ट में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है, इसमें कहता है कि ए यूनियन ए इक्वल में क्या आएगा। ये ज़रा मैं आपको प्रैक्टिकली साथ साथ समझाता जाता हूँ, ताकि आपको जो है ना कोई मसला मसाइल ना रहे। तो यहाँ पर अगर देखें आप, इसने फर्स्ट जो पार्ट इसमें कहा है कि ए यूनियन ए क्या आएगा। तो यहाँ पर देखें, अगर ए सेट हमारे पास है, फर्द करें 1 2, तो एक दूसरा सेट भी 1 2 ही होगा ना, ए यूनियन ए ना। तो इन दोनों का यूनियन करें तो क्या आंसर आएगा, 1 2। तो ये क्या है, ए ही, खुद ए ही है ना। जब इन दोनों का यूनियन करते हैं, ए सेट हमने लिया वो क्या है, 1 2। तो ये भी है, ये भी है, इधर भी 1 2 लिखें, इधर भी 1 2 लिखें, इन दोनों का यूनियन करने से मैंने इकट्ठा करके लिखें, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 लिख दिया, फिर 2 है, फिर 2 लिख दिया। तो ये क्या बनता है, खुद ए ही बन रहा है ना। तो यहाँ इसका आंसर क्या आता है, ए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका है जी, ए इंटरसेक्शन ए। तो कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए हो, तो ए इंटरसेक्शन ए, ठीक हो गया। तो वही दो एलिमेंट्स, वो एक सेट ले लेते हैं, 1 2 इंटरसेक्शन 1 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 1 और 2 ही आएंगे ना। तो इनका इंटरसेक्शन भी यही आ जाता है। तो ये क्या बनता है, ये सारा ए ही बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाता है जी, ए, ए यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन ए, ए ही आता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहता है ए यूनियन फाइव। आप ए का फाइव के साथ यूनियन करें तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर देखें, अगर ए हमारे पास है ए यूनियन फाइव, ए हमने सेट लिया हुआ, फर्ज करें 1 2, और ये यूनियन करना है फाइव के साथ, इनका यूनियन करना है। तो फाइव के साथ जब भी हम यूनियन करेंगे इसका, तो फाइव तो जीरो एलिमेंट के साथ है, उसके बाद एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये 1 2 ही आ जाता है। क्योंकि यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट को लिखा जाता है, इसका एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको हम वैसे ही 1 और 2 ही आ जाता है। ये 1 और 2 की है, ए है, क्या है, ए। तो इधर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखें, इसमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन फाइव। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन फाइव, तो यहाँ पर ए जो है वो 1 2 है, और इंटरसेक्शन करना है फाइव के साथ। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, फाइव और 1 और 2 जो सेट है, ये हमारे पास ए सेट, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या आता है, फाइव, खाली सेट, फाइव लिख दें या एम्प्टी सेट, मतलब फाइव लिख दें, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया ये। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो कहता है कि फाइव यूनियन फाइव, फाइव और फाइव का यूनियन करें तो दोनों ही एम्प्टी सेट हैं, फाइव यूनियन फाइव, तो दोनों एम्प्टी सेट हैं, तो इसका आंसर भी फाइव ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाइव। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें, हमने इसका प्रूव भी किया है कि जब हम ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन करते हैं बी, होल कम्प्लीमेंट लें, तो ए कम्प्लीमेंट का साइन है ये देने के, तो ये कहता है फर्स्ट ए का कम्प्लीमेंट यूनियन, इधर इंटरसेक्शन इधर यूनियन आएगा बी को, इसके बराबर होगा, ये जहन में रखना है। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लें तो ये भी बात वही है, लेकिन ये इसके इक्वल हमने प्रूव किया है डी मॉर्गन लॉ, जो आप बोलते हैं डी मॉर्गन जो का जो लॉ है वो क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट क्या आता है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेवन में देखें, सेवन में ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह ए कम्प्लीमेंट लें, उसका फिर कम्प्लीमेंट लें, तो वो खुद ए ही आ जाता है। मिसाल के तौर पर हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो हमारे पास है जी ए, मतलब ए जो है, ए हमारे पास है 1 2, और यू हमारे पास है 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट बड़ा ही होता है ना, सुपर सेट होता है, सब सेट होता है। तो यहाँ पर देखें, हमने करना है जी ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट मरा होता है यू माइनस ए, ए कम्प्लीमेंट मरा होता है यू माइनस ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू, यू क्या है 1 2 3 4, माइनस ए 1 और 2। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट फाइन करना चाहते तो क्या आएगा, इन दोनों में से 1 और 2 सिर्फ नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से मरा होता है फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखे जो सेकंड में ना हो, तो 1 और 2 दोनों में आ रहे हैं, सिर्फ हम क्या लिखेंगे 3 और 4, ठीक हो गया। अब इसका मज़ीद हम कम्प्लीमेंट लें तो क्या आएगा,
तो हम ए कम्प्लीमेंट का जब कम्प्लीमेंट लेते हैं तो इससे मुराद है कि यू माइनस ए कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें यू ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है, तो यू में से ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकालने, तो ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 4, ये अभी निकाले ना हमने, ये आपको नज़र आ रहा है 3 4, ये यही कम्प्लीमेंट का सेट है ना, ए कम्प्लीमेंट का। तो यू हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 और माइनस 3 4, ये हमारे पास यू के तमाम एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 और ये 3 4 हमारे पास ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 में से 3 4 सिर्फ नहीं लिखना, बाकी सारे लिख लेना, बाकी सारे क्या है 1 और 2, तो ये क्या बनता है ए। तो जब हम किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट लेते हैं और उसका अगेन कम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो खुद ही होता है, ठीक है। इसी तरह बी का कम्प्लीमेंट लें उसका फिर कम्प्लीमेंट लें तो बी आएगा। नेक्स्ट 9 पार्ट देखते हैं, 5 और 5 कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर यू एक सेट है, फर्ज कर लेते हैं यू एक सेट है 1 2 3। अब यहाँ पर है 5 इंटरसेक्शन 5 कम्प्लीमेंट, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखें जी, 5 का तो हमें पता है खाली है, तो 5 कम्प्लीमेंट से क्या मुराद, 5 कम्प्लीमेंट मुराद है यू माइनस 5। तो यू में से 5 निकालें तो यू हमारे पास है 1 2 3 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आता है 1 2 3, तो ये हमारे पास 5 कम्प्लीमेंट क्या है 1 2 3। अब यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 5 कम्प्लीमेंट, हमने इन दोनों को फाइंड करना है। तो 5 कम्प्लीमेंट जो है वो आता है 1 2 3, और जो 5 है वो तो खुद एम्प्टी है, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो अगर हम 5 इंटरसेक्शन 5 कम्प्लीमेंट करते हैं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो सिर्फ इधर क्या रह जाएगा 5, मतलब खाली सेट ही आएगा, ठीक हो गया, एम्प्टी सेट ही आएगा। नेक्स्ट हमारा 10 पार्ट, इसमें 10 पार्ट में कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ए और ए कम्प्लीमेंट के दरमियान जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो फिर भी उनका इंटरसेक्शन में कुछ आंसर आएगा, अदरवाइज एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ उसने कहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर एक सेट ए ले लेते हैं वो हमारे पास है 1 2, और यू एक ले लेते हैं वो हमारे पास 1 2 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ये ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि ए तो मौजूद है हमारे पास, तो ए कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, ए कम्प्लीमेंट यू क्या है जी 1 2 3 माइनस ए क्या है 1 2। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो इसमें फर्स्ट 1 इधर भी 1 इधर नहीं लिखेंगे, 2 इधर भी इधर नहीं लिखेंगे, तो इधर हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट हमने देखना है, तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है जी 1 2, और ए कम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया अभी 3। तो देखें ये 1 और 2 है ए, और ये कम्प्लीमेंट 3 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन ना हो तो वो क्या होता है जी 5। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाता है जी 5 आ जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, इसका लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी, फिर भी कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।